आईपीएल 2024 के लीग मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। चार टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस पे क्रमशः कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर, सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच, राजस्थान रॉयल्स आरआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की टीम शामिल है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद क्रमशः 20 और 17 अंकों के साथ टॉप की टो टीम्स हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने लगातार 5 हार का सामना किया, जबकि अपने आखिरी घरेलू खेल में बारिश ने उन्हें क्वालिफायर वन के लिए टिकट से वंचित कर दिया। राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर रही और एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्लेऑफ के पहले 2 मैच खेले जाएंगे। स्टेडियम 2 मुकाबलों की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शो की शुरुआत क्वालिफायर वन से होगी, जिसमें केकेआर और एसआरएच शामिल होंगे। इस रोमांचक मुकाबले का विजेता फाइनल में पहुंचेगा, जबकि हारने वाली टीम क्वालिफायर 2 में आखिरी बार मुकाबला करेगी। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बिना मैच खेले भी फाइनल में जगह बना सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले 21 मई मंगलवार आईपीएल 2024 क्वालिफायर 1 के दौरान अगर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश आती है तो कोशिश होगी कि कम से कम 5 ओवर का मैच कराया जा सके। ऐसे में अगर ऐसा नहीं होता है तो सुपर ओवर के जरिए परिणाम निकाले जाएंगे और रिजर्व डे में भी मैच जा सकता है। अगर रिजर्व डे में भी बारिश आती है तो फिर मैच नहीं हो पाएगा और उसके बाद पॉइंट्स टेबल के आधार पर फैसला लिया जाएगा और इस नजरिए से केकेआर की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है। ऐसे में केकेआर फाइनल में पहुंच जाएगी। इसके बाद हैदराबाद की टीम को एलिमिनेटर मैच के विनर से क्वालिफाई 2 में भिड़ना होगा। एलिमिनेटर के मैच में तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीम एक दूसरे से भिड़ेंगी और विजेता टीम को क्वालिफाई 2 का मुकाबला खेलने को मिलेगा। इस समय पॉइंट्स टेबल में संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछले 5 मुकाबले हार कर तीसरे नंबर पर है और आरसीबी की टीम चौथे नंबर पर है।